आत्मीय बंधुओं, स्मरण शक्ति के बारे में हमने अन्य वीडियो में आपको बताया। कई बार विद्यार्थियों को दिक्कत यह होती है कि हम पढ़ने वाली चीजों को याद कैसे रखें, तो लोग रटते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उससे भी याद होता है। लेकिन सुना है कि स्वामी विवेकानंद एक बार पढ़ते थे और सब कुछ याद हो जाती थी। क्या यह संभव है सामान्य विद्यार्थी के लिए? हां, सबके लिए संभव है, क्योंकि यह अभ्यास की बात है। ये टेक्निक सिखाई नहीं गई, ये तकनीक समझाया नहीं गया। हम अपने जीवन से आपको उदाहरण देते हैं और बताएंगे कि ये तकनीक क्या है, कैसे आप भी अपने स्मरण शक्ति को, अपने मेमोरी को फोटोजेनिक बना सकते हैं। हम तो बचपन से महात्मा हो गए, घूमते फिरते रहे, ग्रेजुएशन कई विषय में हमने किया, लेकिन बहुत साल बीत जाने के बाद एमए करने की इच्छा हुई। उसमें भी हमें समय नहीं मिला कि हम पढ़ पाए बहुत ज्यादा। किताबें तो हमने काफी पढ़ ली, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, कल्चर, ये हमारा विषय था एमए में, लेकिन परीक्षा के गैप तक हमारे पास कुछ नहीं था जो हम एग्जाम दे सके। लेकिन जो नोट्स हमें मिले, हमने विचार किया कि जब स्वामी विवेकानंद ऐसा कर सकते थे तो हम भी एक साधु हैं, क्यों नहीं कर सकते। हमने फोटोजेनिक मेमोरी प्रयोग किया और विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ स्थान आया एमए की परीक्षा में, वैसे याद करके। तो ये किया कैसे जाता है? हमने तो विदाउट टेक्निक ऐसे ही यूज कर दिया कि एक फुल स्केप पेपर पे लगभग 8 पन्ने एक प्रश्न के उत्तर होते थे। एक पैराग्राफ को देखा ठीक से, आंखें बंद करके फिर देखिए कि किस लाइन में क्या लिखा है, दूसरे पैराग्राफ को देखा, ऐसे करते करते पूरे प्रश्न के उत्तर को हमने दिमाग में बिठाया, फिर उसे लिख दिया। तो समझ में आया कि यही फोटोजेनिक मेमोरी है। अब इसे हम विकसित कैसे कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग क्या है? तो समझ में आया कि उपासना पद्धति में जब भक्त भगवान की उपासना करता है, पूजा करता है, तो अपने इष्ट का ध्यान करता है। और उस ध्यान की विधि में बताया गया है कि आप अपने इष्ट, वो दुर्गा माता है, गायत्री माता है, भगवान भोलेनाथ है, कन्हैया जी है, या भगवान राम, हनुमान जी, जो भी है, तो भक्त को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आप आंखें बंद करके, ये एक तरह की त्राटक की भी प्रक्रिया है कि पहले आप अपने इष्ट के चित्र को देखें ठीक से, कि वो कैसे बैठे हैं, उनका पैर कैसा है, उनके कपड़े किस रंग के हैं, गहने कैसे बने हुए हैं, उनकी मुस्कुराहट कैसी है, और आंखें बंद करके उस इमेजिनेशन को करना है, मन में उसको फिट करना है, एक तरह से फोटो खींच लेना है, और बार बार ऐसे करते करते वो अंदर बैठ जाते हैं। ये उपासना विधि में, भक्ति मार्ग में बताया जाता है। भागवतम में भगवान कृष्ण के स्मरण के लिए भी ये विधि बताई गई है कि कैसे उनके अंगों का, चरणों का हम ध्यान करेंगे। एक तरह से ये टेक्निक है फोटोजेनिक मेमोरी विकसित करने की। एक तो ये है कि हम साक्षात भगवान से वार्तालाप कैसे करें, ये भी तरीका है इसी के लिए, लेकिन अभी उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ स्मरण शक्ति को हम फोटो जैसा कैसे बना दें, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आप भक्त भी बन जाएंगे और साथ साथ आपकी स्मरण शक्ति अभूतपूर्व हो जाएगी। कि किसी भी देवता के फोटो को लीजिए और उसको देखिए बार बार, और फिर आंखें बंद करके उसको याद करने की कोशिश करिए कि उन्होंने क्या पहना है, उसके रंग क्या है। एक एक अगर गहना है, उसमें गुड़िया दाने हैं, तो एक एक दाना गिनती के आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, फोटोजेनिक मेमोरी सिखाने वाले सामान्य लोग प्रैक्टिस कराते हैं कि आप एक कुत्ते की कल्पना करिए, कुत्ता दौड़ के जा रहा है, आंखें बंद करके देखिए, तो आपको दिखना चाहिए। तो ऐसे अभ्यास करने में शुरू में क्या होता है, शुरू में वो फोटो गायब हो जाएगा, फिर से आपको आंखें खोल के देखना है, फिर वो फोटो हिलेगा, ब्लर हो जाएगा, फिर कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ भूल जाएंगी, धीरे धीरे आप स्थिर होते जाएंगे, तो आप भक्ति मार्ग के भी बड़े खिलाड़ी हो जाएंगे। और पढ़ाई अगर कर रहे हैं, कुछ याद रखना चाहते हैं, तो आपकी ये प्रैक्टिस आपके एग्जाम के या किताबों में भी काम आ जाएगी।
कि आप उसी मेमोरी को किताबों में लिखे हुए चीजों को बार बार देखकर आंखों के अंदर दिमाग के अंदर बिठाइए। रटने की जरूरत नहीं, आप देखेंगे इस तकनीक से इस कला से आप धीरे धीरे आपके दिमाग की ताकत ऐसी होगी कि किसी किताब को पढ़े और पिक्चर की तरह दिमाग में पूरी किताब है। जैसे लोगों को विद्यार्थियों को स्पेलिंग मिस्टेक होता है, अगर फोटोजेनिक मेमोरी यूज करने लगे और किताबें पढ़े तो स्पेलिंग भी फोटो की तरह दिमाग में होगा और जब लिखने बैठेंगे तो आपको स्पेलिंग नहीं दिखेगा, फोटो दिखेगा उसका और आप सीधे सीधे वो लिख पाएंगे। तो इस तरह से हम अपने फोटोजेनिक मेमोरी को विकसित कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। इसलिए आप अभ्यास करें। तरीका यह है कि किसी देवता का फोटो लें, किसी सीन सीनरी को याद करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी घटना को याद कर सकते हैं। घटना बार बार तो घटेगी नहीं, इसलिए आप किसी भी प्राकृतिक फोटो का, किसी सीन का, किसी दृश्य का स्मरण करके, लेकिन वो बार बार वो फोटो आपके पास हो, तभी आप दोबारा जब भूल रहे हैं, ब्लर हो रहा है, थोड़े दिन प्रैक्टिस करते करते 4-6 महीने में एक बार देखेंगे दिमाग में वो फोटो की तरह फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा संकेत आज आपके लिए था कि आप स्मरण शक्ति को फोटो जैसा कैसे बना दे, यही संकेत करना था। इसके साथ हमने जो संकेत किया कि भक्ति मार्ग में भगवान से वार्तालाप की स्थिति भी, अगर आप केवल फोटोजेनिक मेमोरी के लिए इष्ट के फोटो का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे कि कुछ दिनों में वो फोटो बात करने लगी। अभी किसी दिन उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, अभी केवल फोटोजेनिक मेमोरी की चर्चा आज थी। ओम शांति।